अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हुज वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर. दिस इज़ वकार फ्रॉम कैमरे इंटरनेशनल साइंस कॉलेज एट तलागम. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग इस वीडियो लेक्चर में. और मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर सर वाजिद साहब की तरफ से या मेरी तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी, लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया गया. बिकॉज बोथ द पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ ग्रामर पार्ट आर टेक्स्ट पार्ट. एज यू नो वेरी वेल द टेक्स्ट पार्ट इज़ टॉट बाय सर Wajid and the grammar part is being taught by me. So, dear student, you should must follow every lecture whether it is delivered by Sir Wajid or me, because when you will follow the lecture you would be able to perform well regarding your studies, and when you will come into the school you will be able to perform well according to the need of the course. Otherwise you will be behind the course. Aapka course aage hoga aur aap piche reh jayenge. So you should keep yourself related to your studies, related to your online lectures. आपको पता है कि हर subject का जो lecture वो online available है. अगर आपके पास कोई source नहीं है net का तो you can come in the college, you can come in at college in any time when the admin staff is there. So आप वहाँ से lecture ले सकते हैं और उनको अपने USB या किसी भी source के अंदर उसको लोड करके अपलोड करके घर ले जा सकते हैं. ये सारी बातें बार बार हर लेक्चर में इसलिए रिपीट की जाती हैं ताकि आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो सके. आपको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है. तो वी आर टॉकिंग ऑलवेज अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज वी वॉन्ट द लेस अमाउंट ऑफ डिज़ास्टर एंड डैमेज. हम चाहते हैं कि कम से कम क्या हो, नुकसान हो रिलेटेड टू योर स्टडी. दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन योर ऑनलाइन क्लासेज एंड वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन टू यू थ्रू ऑनलाइन लेक्चर थ्रू योर वीडियो लेक्चर्स. सो डियर स्टूडेंट, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पॉज कॉन्टीन्यूस एक्टिव वाइज. हमने पैसिव, इसको हम चेंज करते हैं. इट इज पैसिव वाइज नॉट एक्टिव वाइज. यू हैव ऑलरेडी टॉट एक्टिव वाइज, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर यू द लेक्चर अबाउट पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वाइज. पैसिव वाइज के हवाले से और पैसिव वाइज के हवाले से मैं लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ. आज उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कि हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर, और ये कंपलसरी है. इट इज़ अ कंपलसरी स्टेट रिगार्डिंग एवरी पैसिव वाइज. कि क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट पे आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कंपलसरी है हर पैसिव के लिए. सेंटर के स्ट्रक्चर जो है वो बदलते रहते हैं. कॉपी लिखी जा रही है, सबसे पहले आपने इंडिकेट करना है काम कौन सा हो रहा है. तो लिखना, कौन है लिखने वाला, हु इज़ राइटिंग, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है. किस चीज़ को लिखा जा रहा है, कॉपी को. इट मीन्स जो पहली कंडीशन दो बताई थी, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता या अपनी जगह पर नहीं होता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे. तो वट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, कॉपी. तो क्या हो गया, नोटबुक. नोटबुक एक है तो वाज, बीइंग आ गया और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नोटबुक वाज बीइंग रिटन, सॉरी, कॉपी लिखी जा रही थी. किताब असलम खरीद रहा है, काम कौन सा हो रहा है, खरीदना. कौन खरीद रहा है, असलम. किस चीज़ को, किताब को. यहाँ पे सब्जेक्ट है बट द सब्जेक्ट इज मिसिंग इट्स प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है. सो दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पैसिव वाइज. तो इसके बनाने का तरीका भी सेम है, पर बाय का इस्तेमाल होगा. किस चीज़ को लिखा जा रहा है, किताब को, खरीदा जा रहा है, सॉरी. बुक वाज, एक है तो वाज बीइंग, बुक वाज बीइंग. यहाँ तक तो सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर बनाया है, ठीक है. बुक वाज बीइंग बॉट, अब लगाना है बाय, और जब नाम आता है तो उसको एज इट लिख देते हैं, असलम हो अकरम हो. लीमू नचोड़ा जा रहा, काम कौन सा हो रहा है, नचोड़ना. कौन है नचोड़ने वाला, देयर इज नो वन,
हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, हेयर इज ओनली ऑब्जेक्ट, किस चीज़ को निचोड़ा जा रहा है, लीमू को. सो ऑब्जेक्ट लेमन वाज, सेम जैसे पहले बीइंग. नचोड़ना की इंग्लिश होती है स्क्यूज्ड, तो थर्ड फॉर्म स्क्यूज्ड हो गया. शेर को वो मार रहा था, शेर को वो मारना वर्ब, कौन है मारने वाला, वो किसको, शेर को. सब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट इज मिसिंग इट्स प्लेस, सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन पैसिव वाइज. पहले ऑब्जेक्ट आएगा लाइन वाज, बीइंग किल्ड, किल फर्स्ट फॉर्म है और किल्ड थर्ड फॉर्म है. वो ही नहीं आएगा, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा. लाइन वाज बीइंग किल्ड बाय हिम. अब डियर स्टूडेंट यहां पे गौर करें, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो ये कंपलसरी है, देख सकते हर एक के अंदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो ये एक कॉमन चीज़ है, जब भी आप किसी भी पैसिव को बनाते हैं एक तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है और फिर क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. इसका आप एक स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं इसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ. जी डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव स्क्रीन, यू वुड हैव टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वाइट बोर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आर कंस्ट्रक्ट योर नोट्स आर नोटबुक्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटबुक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वैन यू विल ट्राई टू राइट योर नोटबुक्स यू विल हैव टू सी आर वॉच अगेन एंड अगेन टू योर सब्जेक्ट रिलेटेड सेंटेंसेस. तो आप बार बार उनको देखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल इन करेक्टिंग योर स्पेलिंग. ये आपकी स्पेलिंग के लिए अच्छा होगा जब आप लिखोगे, और राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको स्ट्रक्चर का पता चलेगा. ये ज़बानी चीज़ें इतनी याद नहीं रह सकती, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे नोटबुक्स के ऊपर या नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो इट विल बी अ ग्रेट यूजफुल थिंग फॉर यू. नेक्स्ट, अब इसका बन गया नेगेटिव, सेम यही है, जस्ट आपने नॉट लगाना है, कुछ भी आपने नया काम नहीं करना है यहाँ पे. नोट बुक सेम लिख दिया, वाज सेम लिखा, फिर नॉट आ गया. नोट बुक वाज नॉट बीइंग, नोट बुक वाज नॉट बीइंग रिटन. किताब असलम नहीं लिख रहा था, सेम जुमला है वही, सॉरी लिख नहीं खरीद रहा. बुक वाज नॉट बीइंग, बुक वाज नॉट बीइंग बॉट बाय. कोई चेंज नहीं है, जस्ट हमने नॉट को पुट किया, यानी वी हैव पुट नॉट आफ्टर वाज, नथिंग एल्स, नथिंग इज डन न्यू रिगार्डिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. कोई नया काम, जस्ट नॉट लिखा है, लीमू नहीं निचोड़ा जा रहा था. तो लीमू पहले लिखो, लेमन वाज नॉट, लेमन वाज नॉट बीइंग आ गया, वही थर्ड फॉर्म, उसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप नेगेटिव बना रहे हैं, चाहे अफर्मेटिव बना रहे हैं, चाहे आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, ठीक है. तो इंट्रोगेटिव के अंदर भी सेम रहता है. नेक्स्ट, शेर को वो मार नहीं रहा था, लाइन वाज नॉट बीइंग किल्ड बाय हिम. अब हम डिफरेंस करते हैं, सेम चीज़ें वही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई फ़र्क नहीं, जस्ट ये चेंज आया, वाज प्लस नॉट
वाज प्लस नॉट और वाज प्लस नॉट। तो आप देख सकते हैं जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़े तो हमने कोई नया काम नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया, वाज के बाद नॉट लगा दिया। जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और उर्दू के अंदर हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, जस्ट ये देख सकते हैं, नहीं 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 और नहीं, सिर्फ नहीं की जगह हमने नॉट लगाया, बाकी हमारा जितने भी सेंटेंसेस थे दे आर एज इट, दे वर देयर, जैसे वो यहाँ पे थे वो वैसे ही वहाँ पे अब हैं। सो वी डिड वी हैव नॉट मेक एनी चेंज व्हेन वी मूव टूवर्ड्स नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो वी डिड नॉट चेंज वी हैव नॉट मेक एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज, हमने कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की, वी जस्ट पुट नॉट आफ्टर, हमने क्या लिखा वाज और वर्क के बाद हमने नॉट लगाना है और ये आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ये पोर्शन लिखे रखूँगा, इसको मैं इरेज करूँगा ताकि आपको इसके मदद से सवालिया बनाने की हम इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप पहले इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब हम इसकी नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला हिस्सा हम अरेज करते हैं। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर इज बीइंग taught by me। So negative बनाने का तरीका कार क्या लगाया जाता है और सवालिया निशान, क्या कॉपी लिखी जा रही थी, सवालिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या असलम किताब खरीद रहा था, सॉरी क्या किताब असलम खरीद रहा था, सवालिया। क्या लीमू नचोड़ा जा रहा था, क्या लीमू नचोड़ा जा रहा, सवालिया। क्या शेर को वो मार रहा था, क्या शेर को वो मार रहा था। तो ये सारे के सारे क्या बन गए डियर स्टूडेंट, सवालिया। अब सवालिया के अंदर इंट्रोगेटिव के अंदर या इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, नोटबुक से पहले वाज को लगाएंगे, बुक से पहले वाज को लगाएंगे, यानी हमारा ये जो है सीक्वेंस ये बदल जाएगा, बाकी सारा का सारा वही रहेगा। हमने वाज और वर्क को उठाना है और सब्जेक्ट से हमने सॉरी ऑब्जेक्ट से पहले लिख देना। अब यहां पे देखिए वाज वाज वाज, क्योंकि सब में वाज इस्तेमाल हुए तो मैंने वाज पहले लिख दिया, बाकी सारा जुमला लिखते हैं थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। अब आर्टिकल लाना पड़ेगा, वाज अ नोटबुक बीइंग रिटन, वाज अ नोटबुक बीइंग रिटन। अब यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा वाज अ बुक बीइंग बाद में आएगा, वाज अ बुक बीइंग, बाकी सारा वही रहेगा, बाट बाय क्वेश्चन मार्क। वाज अ लाइन सॉरी वाज अ लेमन बीइंग स्क्यूज्ड, जस्ट हमने वाज को स्टार्ट पे ले आए, वाज अ लाइन बीइंग किल्ड बाय हिम। तो अब जरा गौर करें स्टूडेंट, हमने जस्ट क्या किया, हमने जस्ट वाज को ऑब्जेक्ट से पहले, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेम देखिए सेम सेंटेंस ऐसे ही, जस्ट हमने अगर वाज को इधर ले आए ना यहाँ पे, तो ये अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बन
बन जाता है। इसमें कोई तब्दीली इतनी बड़ी नहीं है, जस्ट हमने इसकी तरतीब चेंज की है, हमने कोई नया लफ्ज़ इसके अंदर ऐड, जैसे पिछले के अंदर हमने नॉट ऐड किया था तो यहाँ पे कोई नया लफ्ज़ ऐड नहीं हुआ, जस्ट तरतीब चेंज करेंगे तो उसकी क्या बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और यकीनन आप उसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल रिगार्डिंग यूर स्टडी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन की सिचुएशन है, स्ट्रेस ना खुद लेना है ना दूसरों को देना है, अपने घर में रहने की कोशिश करनी है और मोबाइल का इररेलेवेंट यूज़ जैसे पबजी या ब्लू व्हेल एटसेट्रा इस तरह की जितनी भी फजूल चीज़ें उनसे आपने बचना है, मोबाइल का प्रोडक्टिव यूज़ करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।